नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेके आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही अच्छी तरीका से, बहुत ही शानदार और इजी ट्रिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर एक दोस्तों आपके स्क्रीन पर, दो संख्या किसी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो तीसरी संख्या, तो पहला संख्या मान लेते हैं 1, ये हो गया दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100, क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो इससे 30% अधिक कितना हो जाएगा ना 130, और इससे 60% अधिक कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात होगा क्या, यानी पहला और दूसरा का अनुपात क्या होगा, यानी पहला और दूसरा का, तो पहला कितना है 130 और दूसरा कितना है 160, अनुपात बोला गया है, तो अनुपात रेशो में देंगे ये जीरो कट जाएगा, यानी 13:16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी और आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर दो दोस्तों, एक मिश्रण में रेत और रोडी, ये हो गया रेत और रोडी का अनुपात, यानी इसका अनुपात दिया हुआ है, 40 है और 30 है, ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है। फिर है जबकि रोडी और सीमेंट का अनुपात, यानी रोडी और सीमेंट, यहां लिखेंगे सीमेंट, ठीक है, सीमेंट का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ना 6:7, यानी रोडी का दिया हुआ है 6 और सीमेंट का दिया हुआ है 7। यहां भी जिगजैग नियम लगा सकते हैं, ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यानी 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6×24, यानी 246 हो जाएगा। अब 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ना 180 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। अब 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ना 270, यानी 270 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है ना, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है, तो ये हो गया रेत और ये हो गया सीमेंट, इसका अनुपात निकालने बोला है। ठीक है, तो रेत का हो गया इतना और सीमेंट का हो गया 200, तो 30 को 7 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 7×21 210 हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है, तो ये हो गया रेत, ये हो गया सीमेंट, इसका अनुपात निकालने बोला है 246:210। इसको काट के छोटा करना है, ठीक है, क्या होगा, तो 3 से कटता है, 3×24 3×6 3×7=21, ठीक है, और 2 से कट रहा है, ये कितना हो जाएगा ना 4, ये 1, ये कितना है ना 70 को 2 से मल्टीपल डिवाइड देंगे कितना आएगा 35। ठीक है, तो क्या हो गया ना 41:35। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी, इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, जोई और सीमेंट के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 दिया हुआ है, यानी एक जोई नाम का है और एक मिनट, इसका कंचों का अनुपात दिया हुआ है ये 5, इसका 8 है। ठीक है, फिर है जबकि जेकब और मिनट, यानी और एक नाम है जेकब, जेकब, ठीक है, और मिनट, यानी पहले जेकब का दिया हुआ है 7 और मिनट का होगा 12, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, अब जिगजैग नियम लगा सकते हैं और मान निकाल सकते हैं, तो 5 को 12 से कितना होगा 60 और 12 को 8 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 96 और 8×56 यानी 56, ये हो गया रेशियो। ठीक है, ये तो जिगजैग नियम हुआ, अब चाहे तो ये 12 को यहां लिख सकते हैं, तो 12×25=60 हो जाएगा और 12×8=96 हो जाएगा, यहां 8 है तो यहां 8 लिख सकते हैं, तो 8×56 होगा। अगर जिगजैग नियम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इस नियम से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो रेशियो निकल गया। अब क्या पूछा है ना, जेकब के कैचों के, जोई और जेकब, तो ये हो गया जोई, तो जोई और जेकब के कैचों का अनुपात क्या होगा, तो ये 6, इसका हो गया जोई का और ये हो गया जेकब का, कितना है ना 56, इसका अनुपात निकालना है, तो जो टेबल इजी लगे उसका टेबल से काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना से, 3 से कटेगा नहीं, 2 से काटते हैं, 30 बार में जाएगा और ये 28 बार में जाएगा। ठीक है, अब कटेगा, हाँ 2 से फिर कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 15 बार में, एक कट जाएगा 14 बार में, तो आ गया ना 15:40। ठीक है, 15:14, ऑप्शन नंबर सी, यही हुआ जेकब, जोई और जेकब का। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। 3,900 रुपए को
के और जे के बीच एक अनुपात, एक बटा दो अनुपात, एक बटा तीन अनुपात, एक बटा चार के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है, यानी 39 रुपये का विभाजित करना है। तो के का एक नाम क्या है ना, पहले एल है, फिर के है और फिर जे है, ये तीन नाम का व्यक्ति है, इसके बीच रेशियो बटेगा, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है एक बटा दो, इसका दिया हुआ है एक बटा तीन और इसका दिया हुआ है एक बटा चार, ठीक है। अब इसको क्या बताया था ना, इसको रेशियो में चेंज करने के लिए, तो दो तीन और चार के एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम ऑफ किसका ना, दो तीन और चार का एलसीएम होगा 12, ठीक है। तो यही 12 आप लोग यहां गुणा कर सकते हैं सब में, 12 मल्टीपल करिए, यहां भी 12 मल्टीपल होगा, ठीक है, मल्टीपल 12, यहां भी 12 मल्टीपल होगा, ठीक है। और इसका रेशियो निकाल सकते हैं, इसे काटेंगे कितना, 6 बार में, तो एल का जो रेशियो होगा वह 6 होगा, 3 4 12 4, और के का होगा 4 और 4 3 12 3, यानी जे का होगा 3, यानी 3 भाग इसको मिलेगा, इसका 4 इसका 6, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं ना, 39 रुपये है, तो इसका 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 ये तीनों को जोड़ करके 39 मिलेगा, ठीक है। तो 6 और 4 10 और 3 13, यानी हम लोग इसको x मान सकते हैं, तो 13 x इक्वल टू 39 रुपया दिया हुआ है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3900 बटा 13, तो 13 3 39, यानी x का मान आ गया 300, ठीक है। तो पूछा है कि k को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो k का क्या दिया हुआ रेशियो 4x, तो k इक्वल टू दिया हुआ है ना 4x, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है ना 300, तो लिखेंगे 300, तो 4 3 1200, यानी जो 1200 रुपये मिलेगा वह के को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इजी और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:6 था, जबकि निकिल और जस्ता का अनुपात 7:4 था, मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात कितना था, ठीक है। तो सबका नाम लिखना, पहले तांबा, तांबा दिया हुआ है, जस्ता और निकिल, ये तीन धातु मिलकर के मिश्र धातु है, जिसमें तांबा और जस्ता जो है 19:6 है, यानी ये हो गया 19, ये हो गया 6, फिर निकिल और जस्ता 7:4 है, यानी निकिल का मान 7 दिया हुआ, यानी यहां लिखेंगे 7 और जस्ता का मान 4 होगा, यहां लिखेंगे 4, फिर वही जिगजग नियम लेकर बना सकते हैं, इसको इससे मल्टीपल करेंगे ऐसे ऐसे, 19 4 76, 6 4 24, 6 7 42, ये हो गया रेशियो, ठीक है। या तो 4 है तो यहां 4 लिख सकते हैं, 19 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा 76, फिर 6 4 24, 6 है यहाँ 6 लिख देंगे, 6 7 42, वही होगा, ठीक है। तो क्या चाहिए ना, सभी का अनुपात चाहिए, तो इसको हम लोग चाहे तो यहीं से आंसर ला सकते हैं, सभी का अनुपात चाहिए तो इसको छोटा करना है, काट सकते हैं 2 से, कितना जाएगा ना 3 बार में 8 बार में, ये तो जाएगा 12 बार में, ये तो जाएगा 21 बार में। अब जो है कोई एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो यही इसका अनुपात का रेशियो हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जो आंसर होगा वह 38:12:21, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, जर्मन सिल्वर में कॉपर निकिल कॉपर जिंक और निकिल, तो लिखना पहले कॉपर जिंक निकिल, ये दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 2, ये रेशियो में दिया हुआ है, 54 kg का है, ठीक है, कितना केजी का है ना, तीनों मिलकर 54 kg है, तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9, यानी 9x, सब में हम लोग x मान सकते हैं, रेशियो में रहता है, तो इतना इसका लू दिया हुआ है 54 kg, तो x इसका लू कितना हो जाएगा 9 6 54, 9 चल जाएगा नीचे, तो 9 से 9 6 54, यानी 6 आएगा, यानी x का मान आ गया 6, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इस धातु में कितने ग्राम जिंक मोड़ जोड़ा जाए, ठीक है, जिंक जोड़ा जाए, तब सबसे पहले लिखते हैं कॉपर का ना, कॉपर का ये सी यू, कॉपर का मान कितना दिया हुआ है ना 4x, तो 4 गुना 6, 6 6 24 हो गया, जिंक का
जेड एन कितना दिया हुआ है ना, 3x, तो 3 गुना 6, 6 18, ठीक है। निखिल का, निखिल कितना दिया हुआ है ना, 2x, तो 2 × 6 कितना हो गया ना, 12 kg, ये सब केजी में है। ये जिंक निखिल निकालने का जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी निकाल दिए। फिर बोला गया है कि इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए, जिंक यानी हम लोग जेड एन को मान लेते हैं एक्स, लिट जेड एन, जेड एन को मान लिया, मान लेते हैं वाई क्योंकि एक्स दिया हुआ है, वाई मान लेते हैं। कितने क्या लिखा हुआ है ना, इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात जो है वह 2:5:1 हो जाए, ठीक है। तो कॉपर और जिंक लेके बनाते हैं, तो कॉपर का मान कितना दिया हुआ ना 24, और जिंक का मान कितना दिया हुआ 18, और यही जिंक में कितना जिंक जोड़ा जाए यानी वाई जोड़ा जाए तो 2:5 हो जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है, कॉपर है, तो कॉपर का मान 2 है तो 2 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा यानी 5 लिख सकते हैं, बस दो ही रेशियो लेके बना सकते हैं, कॉपर और जिंक से ही आंसर आ जाएगा, निकल लिखने की जरूरत नहीं था, फिर भी बता दिए, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, x मल्टीपल्स क्रॉस मल्टीपल्स में हल कर सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो 2 को इससे गुणा करेंगे कितना होगा ना 36x, और 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y। अब 24 को 5 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 5×4=20 और 5×10=120 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 36 को घटाना है इधर, तो कितना हो जाएगा ना 2y = 120 - 36, तो घटाने में कितना आएगा ना 4 और आएगा 8, ठीक है, इतना आएगा। तो y इज इक्वल टू, ये 2 नीचे चल जाएगा, 2 से काट से काटेंगे कितना आएगा ना 42 kg, ठीक है। तो ये जो y है हम लोग माने थे जिंक, मतलब कितना जिंक मिला दिया जाए, यानी जेडन को माने थे y, और जेडन का मान कितना आया, जेडन का y का लिखे थे और y का मान आ गया 42 kg, तो यही 42 kg जो है अगर मिला देते हैं तो 2:5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इजी और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। दोस्तों आप इसी प्रकार से बने रहिए और पूरा का पूरा व्यू कीजिए और वॉच कीजिए, हर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बहुत ही शानदार और सरल क्वेश्चन है। 3 विषय में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है और छात्र के नए अनुपात का पता लगाइए, ठीक है। तो छात्र 3 अंक, तो पहला छात्र, दूसरा छात्र और ये तीसरा छात्र, तो ये दिया हुआ है 1:2 और ये दिया हुआ है 3, ठीक है। तो सुविधा के अनुसार अगर हम इसमें 1% बढ़ाते हैं तो क्या, 1 का 5% बढ़ाते हैं तो कितना दिक्कत होगा ना, उसका पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा, फिर 2 का 5% निकालेंगे फिर जोड़ेंगे पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा, फिर 3 का 5% निकालेंगे पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह क्वेश्चन में 2-0 हर में आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2-0 2-0 2-0 कट जाएगा, रेशियो का वैल्यू जो था वही रहा, ठीक है। अब सुविधा क्या हो जाएगा ना, 5% निकाल सकते हैं, तो 100 का 5% कितना होगा ना 5, तो ग्रेस देना मतलब क्या, जोड़ना, जैसे कोई फेल करता है तो किसी, जैसे 3 नंबर या 4 नंबर से कोई फेल करता है तो सरकार का नियम करता है कि उसमें परसेंट देके इसको पास कर देता है, तो वही 5% जो है ग्रेस मिल रहा है, ग्रेस मिल रहा मतलब इसमें जुड़ेगा, तो 100 का 5% जो होगा वह 5 ही होगा, और 5 जो है इसका जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ना 105। फिर 200 का 5%, तो 200 का जो 5% होगा वह 10 आएगा, तो जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ना 210 हो जाएगा। फिर 300 का 5% कितना होगा ना 15 होगा, तो यही 15 जुड़ेगा तो 315 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है ना, 5 का टेबल से काटना इसको, ठीक है, या तो जो टेबल अच्छा लगे, ठीक है, या 21 का टेबल में कर सकता है, 21 25 105, 21 एकम 21 और 1 जीरो था, फिर यहां कर सकता है ना 21 एकम 21 और है वह 315 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में, ठीक है। ये रेशियो अभी छोटा नहीं हुआ है, रेशियो कब होता है जब एक दूसरे से कभी नहीं कटता है, ये कट रहा है एक दूसरे से, तो 5 से काट सकते हैं, 5 को एक बार में, ये 2 बार में कटेगा, 5×2=10 और ये 5×3=15, यानी जो पहले का वैल्यू था 1:2:3 था तो बस वही आया, यानी आंसर जो होगा वह 1:2:3 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इजी और आसान क्वेश्चन था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:7 दिया हुआ है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक कुछ ही मान लेते हैं, तो पहला पूर्णांक ये दूसरा मान लेते हैं, तो पहला का दिया हुआ है 3 और इसका दिया हुआ है 4 अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, तो x मान सकते हैं और दोनों का योग दिया हुआ योगफल 70 है, तो 4 × 3 = 7, 7x का मान दिया हुआ है 70, तो x इसका कितना हो जाएगा ना 70/7, तो x का मान कितना आ जाएगा ना 10, ये हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ दिया जाए कि उनका अनुपात जो है वह 5:6 हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x का मान आ गया 10, तब पहला संख्या क्या हो सकता है ना 10, 3x, तो 3 को x से मल्टीपल करेंगे, x का मान कितना है ना 10, तो 10 दिया 30, ये हो गया 30। दूसरा वाला दिया हुआ है 4x, तो 4 को x का मान कितना है ना 10, तो 10 × 4 = 40, यहां हो जाएगा 40। अब क्वेश्चन है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाना चाहिए कि इसका रेशियो का अनुपात जो है वह 5/6 हो जाए, तो कितना जोड़ना चाहिए ना उसको मान लेते हैं y, इसको भी मान लेते हैं y, y जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में बना सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ना 5 × 20 यानी 200 हो जाएगा, यानी 40 को 5 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, प्लस 5 को 4 से मल्टीपल, 5 को y से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 5, 5 को y से मल्टीपल करेंगे तो 5y, 6 को 30 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, 180, 6 को y से मल्टीपल करेंगे 6y। ठीक है, अब क्या करना है, इस संख्या को इधर ले आते हैं क्योंकि 200 है यहाँ 180 है, तो ये क्या है ना लाइक टर्म्स है, नंबर्स है, तो नंबर्स को एक साथ और जो संख्या 5xyy एक साथ हो जाएगा, तो लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है, तो 180 को इधर ले आएंगे, तो 200 था और यहाँ प्लस है, तो माइनस जाके यहाँ 180 हो जाएगा, इक्वल टू 6y, यहाँ प्लस हो जाके क्या होगा माइनस 5y, तो 200 में 180 घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 20, तो यहाँ हो जाएगा वाई, यानी वाई का माना गया 20, तो यही 20 जोड़ना चाहिए था। ठीक है, जो कि उसका रेशियो का अनुपात 5:6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ना बी। ठीक है, नंबर 9 दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो दो संख्या, तो पहला संख्या और ये दूसरी संख्या, तो दिया हुआ 3, तो 3 एक्स मान लेते हैं और दूसरा को मान लेते हैं 5, तो 5x मान लेते हैं। ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है, यदि प्रत्येक में 10 वृद्धि किया जाए तो इसमें मान लेते हैं ना 3x है और एक 5x है, प्रत्येक में 10 वृद्धि, इसमें भी 10 वृद्धि करना है, इसमें भी 10 वृद्धि करना है। ठीक है, तो क्या होता है ना, तो अनुपात 5:7 हो जाता है, यानी 5/7 हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 7 को 3 से, कितना हो जाएगा 7 × 21, या तो इसको इसके साथ मल्टीपल कर सकते हैं, 5 को 5 के साथ मल्टीपल करेंगे, तो 5 को 5x से मल्टीपल करेंगे कितना जाना 5 × 5 = 25x हो जाएगा, और 5 × 10 = 50, यहाँ 50 हो जाएगा, फिर 7 को 3 से मल्टीपल करेंगे 7 × 21 = 100 हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस रहेगा और 7 × 10 = 70 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है, यहाँ 25x है, यहाँ भी x है, तो ये लाइक टर्म्स एक साथ आ जाएगा, 25 है यहाँ प्लस है ज्यादा के माइनस हो जाएगा, यानी 25x − 21x = 70 बचा हुआ, यहाँ क्या बचा है 70, वो भी प्लस में था इसलिए प्लस लिखें, यहाँ क्या है प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 50, यानी क्या होता है ना जब प्लस रहता है तो उधर जाके माइनस हो जाता है और यहाँ जब माइनस रहता है उधर जाके प्लस हो जाता है, यानी साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। अब 25 में 21 घटेगा कितना हो जाएगा ना 4x, इतना का मान यहाँ देखिए ना 70 में 50 घटेगा कितना हो जाएगा ना 20, तो x इक्वल टू हो जाएगा ना 20/4, 4 से कटना है कितना जाएगा ना 5 बार में, तो x का मान जो होगा वह 5 होगा। ठीक है, तो पूछा कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या यानी 1 में 3x है, यहाँ 5x, छोटी संख्या क्या दिख रहा है ना 3x, तो छोटी संख्या जो होगा, छोटी संख्या 3x है और 3 × x का मान कितना है ना 5, तो कितना हो जाएगा ना 5 × 15, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी, इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, 1 से लेके 10 क्वेश्चन विथ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है उस तरह क्वेश्चन लेके आए हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ाई पसंद आ रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बने रहिए इस प्रकार का वीडियो हर बार हर डे यानी प्रतिदिन आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन के साथ। तो चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है, तो क्या है ना, पहले चरण है फिर रजत है, वेतन का अनुपात दिया हुआ है 5, तो 5x लिखेंगे और 4 दिया हुआ है तो 4x लिखेंगे। और बोल रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होता है, तो पहले क्या दिया ना 5x और एक दिया हुआ है ना 4x, इसमें 3000 की वृद्धि, प्रत्येक मतलब क्या है, इसमें भी 3000, इसमें भी 3000, इसमें 3000 की वृद्धि होगा और इसमें भी 3000 की वृद्धि होगी, तो जो अनुपात है वह अनुपात 6/5 हो जाएगा, अनुपात मतलब बट्टा होता है, ठीक है। अब उस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 5 को इसके साथ और 6 को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके इसके साथ मल्टीपल करना है, ठीक है। तो 50 25 यानी 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 25x, फिर 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 15, और कितना जीरो था 3 0, तो 1 2 3 0, फिर 6 को 4 से मल्टीपल करेंगे 6 6 24x था x रहेगा, फिर प्लस, फिर 6 को 3 से मल्टीपल करेंगे 6 3 18 और 3 को 0 था 0 रहेगा। अब क्या करना है ना, लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है, तो 25 है यहाँ 24 है, इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा ना x हो जाएगा, तो यानी 25x - 24x, फिर यहाँ कितना है ना 18, तो लिखेंगे 18000 है और यहाँ 15000 उधर, यहाँ प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा 18000, अब 15000, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल हो जाएगा ना 3000, 18000 में 15000 कटेगा कितना होगा 3000। तो पूछा है कि चरण का वेतन क्या है, तो चरण का वेतन कितना था यहाँ 5x है, तो यहाँ लिखेंगे ना चरण का वेतन, चरण का वेतन कितना मारे थे ना 5x मारे थे, यानी 5 × x का मान कितना है ना 3000, तो यहाँ 3000 मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 15 और 3 0 था 1 2 3 0, यानी 15000 होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों आज 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन बहुत ही इजी और दमदार तरीका से सॉल्यूशन किया गया है, प्लीज इसी तरह बने रहिए और पूरा का पूरा व्यू कीजिए एंड बने रहिए। तो दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।